ये जो रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा होता है ना, ये बड़ा कीमती है। मैं पहले भी दोस्तों से अर्ज़ करता रहता हूँ कि हम ना ये आखिरी 10 दिन अक्सर बाज़ारों में घूम के गुजार देते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी 10 दिन जो रमज़ान के होते थे, हुजूर खुद भी बेदार होते थे, हमें भी बेदार करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पता है रोज़ेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोज़ा मेरे लिए, और फरमाया मैं खुद जजा दूंगा रोज़े की, मैं खुद जजा दूंगा रोज़े की। और हुजूर फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, जो शख्स रोज़ादार हो वो बेहूदगी से, फोहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे तो पता क्या जवाब दे, उसे कहे भाई मैं रोज़ेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ओहो इतनी बड़ी बात। हुजूर फरमाने लगे, ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, करीम महबूब फरमाने लगे मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हुजूर फरमाते रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बुकत वाली होगी। इसके मुंह से जो खुशबू आती है कयामत में मुश्क पीछे रह जाएगा, और रब की बारगाह में सिर्फ रोजादार के मुंह से। अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल होना चाहिए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजादार को दो खुशियां मिलेंगी, एक खुशी उस वक्त मिलती है जब वो इफ्तार करता है, और फरमाया एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो उससे मिलेगा तो उस वक्त रोजादार को खुशी होगी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी 10 दिन जो रमजान के होते थे, हुजूर खुद भी बेदार होते थे, हमें भी बेदार करते थे। ये रातें बेदार रहने की हैं, शब कदर की तलाश की हैं। नबी पाक ने इतिकाफ फरमाया है, कोशिश करें, जो तो इतिकाफ बैठ रहे हैं वो तो बड़े बाईस मुबारकबाद हैं, जो नहीं भी ना बैठ रहे वो भी अपने अपने इलाके की मसाजिद में कोशिश करें, एक रात मिल जाए, दो मिल जाए, चार मिल जाए, जितना इजाफी टाइम मिले आखिरी 10 दिनों में वो मस्जिद में गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक पढ़ें, इस्तिगफार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये तीन ही वजीफे इनके साथ। और रात का वक्त कोशिश करें क़याम में गुजरे, नवाफल में गुजरे, जहाँ जहाँ भी आप, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, तो जहाँ मौका मिले कोशिश फरमाएं, ये वक्त ज़ाया करने वाला नहीं है। याद आती है तो आंसू भी निकलते हैं, दुआ भी निकलती है। थे कुछ लोग पिछले साल जो इस साल मौजूद नहीं हैं, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, तो ये सआदतें बड़ी कीमती हैं, इनको ज़रूर हासिल फरमाएँ। मेरे दोस्तों खुशी तो जो होगी सो होगी, लेकिन ये लफ्ज ही बड़े हसीन नहीं कि रोज़ादार की रब से मुलाकात होगी? ये ही लफ्ज बड़े बाकमाल नहीं? एक रवायत में तो ये है ना कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसकी जजा दूंगा, और एक रवायत में ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और रब फरमाता है मैं खुद रोज़े की जजा हूँ। यानी बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा, रोज़ा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मत के सूफिया ने ना कुछ चीज़ों को बड़ा खोला है। आरफ़ रूमी कहते हैं कि एक दिन ना महमूद गजनवी ने खजानों के दरवाजे खोल दिए और फरमाया भाई मैंने आज हर चीज़ खोल दी है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगी। लोग दौड़े, कोई सोने की तरफ, कोई चांदी की तरफ, कोई जायदादों की तरफ, कोई खजाने की कुंजियों की तरफ, कोई बड़े बेहतरीन घोड़े और ऊँटों की तरफ, लोग दौड़ गए, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का, सब भाग गए। अय्याज बैठा है, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़ अय्याज में, वो लज्जतें कहाँ। अय्याज चुप करके बैठा है। फिर महमूद ने अय्याज की तरफ मुखातब करके कहा अय्याज उठना नहीं,
आज लूट सेल लग गई है, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा उसी की। अयाज कहने लगा बात पक्की है ना? तो महमूद खुश थे, मूड बड़ा अच्छा था, कहा बिल्कुल पक्की है। तो अयाज कहने लगे चलो ठीक है। अयाज उठे पीछे से जाके ना, तो महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया। महमूद के कंधे पे हाथ रखा, महमूद कहने लगे ये क्या बात का, आपसे मैंने पूछा था बात पक्की है, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का ना। तो थोड़ी देर पहले मुस्कुराते चेहरों में आंसू आ गए, अय्याज भी रोए तो महमूद भी रोए। कहा बादशाह पक्का रहना, वो जिनको खजाने चाहिए थे वो दौड़ गए, मुझे तो तू चाहिए। लंघ कई महीने ते बरस गए, ते तेरी दीद नु दीदे तरस गए, तेरी तू मिलेगा। तो फिर कहा महमूद ने, उसने कहा मैं वादा कर चुका था, बस ठीक है, बाकियों के खजाने और मैं तेरा, तय हो गई। फरमाया बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा, रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। देखो ना, वो खास इंसान को कैफियत हासिल होती है रोजे में, रब के होने का यकीन, वो जो सूफिया कहते हैं ना मुराकबा करो, वो नसीब होता है। यानी किसी को क्या पता है इसका रोजा है कि नहीं, अकेला है ना घर में, फ्रीजर भरा हुआ है, नहीं ना खाता, क्यों? इसे पता है मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये तसव्वुर तौहीद पक्का हो जाता है रमजान, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की भी खास रहमत और कोई खास ही एजाज। हुजूर फरमाते हैं जन्नत के कई दरवाजे हैं, एक बाबू रैयान है, उससे सिर्फ रोजादार गुजरेंगे। आवाज होगा रोजे वाले आ जाओ, वो आ जाएंगे, फरमाए इस खास दरवाजे से गुजरो, जब गुजर जाएंगे तो फरमाए बंद कर दो भाई, और कोई नहीं गुजरेगा यहां से, दरवाजा ही मखसूस है, इनका एजाज ही जरा ज्यादा है। तो मेरे अजीज रमजान शरीफ के अंदर वो मनसब का बस ख्याल रखें कि मैं रोजादार हूं, इस एहतियात के साथ। और दूसरी जो रमजान की चंद इबादात है ना, सबसे पहली तो मैं अर्ज करूंगा तरावी के हवाले से, ये बात याद रख लें कि नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत के साथ रमजान में कयाम किया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये मिशकात में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं रमजान और कुरान दोनों कयामत के दिन बंदे की शफात करेंगे। रमजान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बात रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीजों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब? इसने खड़े होकर इबादत की। अगरचे इससे मुराद शारहीन हदीस ने तरावी भी लिया है, तहज्जुद की नमाज भी लिया है, सलातुल लैल भी ली है, लेकिन मेरे अजीज ये खास रब्त है कुरान मजीद के साथ तरावी का। मसनून है रमजान की रातों में कुरान मजीद और तरावी का पढ़ना। अगर थोड़ी सी ना तबीयत में सिर्फ तब्दीली पैदा की जाए, मैंने देखा है कि जो लोग कहते हैं ना मेरा वक्त बड़ा कीमती है, बड़ी सारी जगहों पे आपको बैठना पड़ता है, बैठे हैं आप 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे हैं। मैंने देखा है लोग जाते हैं किसी दफ्तर में तो रात को ही चले जाते हैं, उस इलाके में खड़े हैं, पासपोर्ट के दफ्तर खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े हैं, इमिग्रेशन की लाइनों में खड़े हैं। कुछ जेन तो बनाएं कि मैंने रात खड़े रहना है और अपने रब की इबादत करनी है। तरावी को जरा जौक से आप अगर थोड़ा इरादा कर लेंगे ना, यानी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, मेरी तो राय यह है कि पहले 3-4 दिन जरा जम के जहन बनाएं और थोड़ा सा ना रूटीन को बदलने की कोशिश ना करें, जिस इमाम साहब के पीछे तरावीश शुरू करें कोशिश करें सारी वहीं पढ़ें। रूटीन बदलने से भी सुस्ती आती है, एक दिन यहां गए 2 दिन वहां गए, तो ये रूटीन बदलने से भी बाजों का सुस्ती आती है। कोशिश करें एक जगह पे कुरान शरीफ सुनना शुरू करें और फिर पूरा कुरान मजीद वहीं पे सुने और थोड़ा जेन बनाए। मैंने देखा है हमारे उस्ताद साहब इस तरह किया करते थे कि बहुत थोड़ा खाना इफ्तारी के वक्त थोड़ा, और उनसे कहा जाता आप बुजुर्ग आदमी है इतना कम खाना कैसे निजाम चलेगा, तो फरमाते थे मैं एक चपाती और आधी चपाती खा लूंगा लेकिन तरावी के बाद,
अब अगर ज्यादा खाना खाऊंगा तो तबीयत में सुस्ती आएगी, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए। सादा सा खाने के साथ इफ्तारी की जाएगी। और तरावी के लिए अपने आप को ज़हनी कहां टाइम मिलता है सारा साल कुरान पढ़ने सुनने का, ये तो अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। तो थोड़ा सा अगर दिलचस्पी पैदा की जाए, बड़ा बड़ा सोना कुरान मजीद पढ़ा जाता है मसाजिद में, बच्चे बड़ी बड़ी खूबसूरती से, तो अल्लाह का शुक्र है जगह जगह पे। और मसाजिद के अलावा भी मैंने देखा है, हमसे लोग मुतालबा करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में रात को भी काम होता है, इतने सारे वर्कर हैं तो बच्चा कोई मिल जाए कुरान शरीफ सुनाए, फलानी जगह भी इतने लोग हैं तो अगर मौका मिल जाए। तो अगर थोड़ा ज़हन बनाया जाए, शौक पैदा किया जाए, तो अल्लाह ताला फजल फरमाता है, इंसान को ताकत मिलती है खड़े रहने। एक तो तरावी, रोज़ा, तरावी, और तीसरी बात है सहर और इफ्तार। ये जो सहरी और इफ्तार, यहूदी जो थे ना वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोज़ा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी है आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ हाँ, आप मत समझे कि मैं रोटी खा रहा हूं, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियां रखी हैं, सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे, ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने बात खोली या तरगीब तरहीम में हदीस है, अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं। एक रमजान मुबारक वो इज्जत और अजमत वाला महीना है जिसका तारुफ किसी आम आदमी ने नहीं, रब करीम के कुरान ने बयान फरमाया है और मेरे मुस्तफा करीम की जुबान अतहर ने बयान फरमाया है। कि ना आने से पहले, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रमजान शुरू होने से पहले नबी पाक ने हमें मस्जिद में बुलाया और खुतबा इरशाद फरमाया बाकायदा, और इरशाद फरमाया लोगो तुम पर एक महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर खास किस्म की रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। खुद रसूल पाक ने हमें किस कदर ज्यादा उस महीने का इकराम करना है और किस कदर ज्यादा उसको अहमियत देनी है और किस कदर ज्यादा हमारे लिए वो बायस अजमत है कि जिस महीने के फजाइल खुद रसूल पाक अलैहि सलाम ने बयान फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में तुम नफल पढ़ोगे तो अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाए। हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहि सलाम ने रमजान की शान बयान की तो सहाबा का यह मिजाज बन गया कि वो अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लेते थे, रमजान शरीफ से पहले सारे काम समेट लेते, लेने देने के मामला साफ कर लेते, खरीदारी हो जाती, घर के अंदर कोई काम कराना होता तो वो रमजान से कबल करा लेते, यकम रमजान को वो मस्जिदों में डेरे लगा लिया करते, वो कहते थे नेकियां जमा करने के अय्याम। सबसे मसरूफ तरीन जिंदगी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। 23 सालों में नबी पाक अलैहि सलाम ने 2300 सालों से भी ज्यादा काम किया, बड़ा मसरूफ वक्त था हुजूर का, बड़ा मसरूफ। हमारे यहां ना मैं एक जगह पे हाजिर था तो एक बुजुर्ग तकरीर फरमा रहे थे, वो कह रहे थे अब खानकाहों में जो अल्लाह अल्लाह हो रही है वो छोड़ के बाहर निकलो, अब मैदान में निकलने का दौर है। तकरीर खत्म हुई तो मैंने कहा हजरत नाराज ना होइएगा, वैसे कौन सी खानकाह में अल्लाह अल्लाह हो रही है जहां से आप बाहर निकाल रहे, तो दौर ही गुजर गया अल्लाह अल्लाह करने का।